वैभव लक्ष्मी जी की कथा प्रारंभ करने से पहले हम लक्ष्मी स्वतन का पाठ करेंगे। आइए शुरू करते हैं लक्ष्मी स्वतन का पाठ। या रक्ता भुजवासिनी विलिसनी चंडाशु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिरांभरा हरि सखी, या श्री मनोहालिनी, या रत्नाकर मंथन प्रगटिता विष्णुसवा गेहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। जो लाल कमल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांति वाली है, जो महान तेज वाली है, जो संसद लाल वर्ण है, जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान को प्रिय है, जो कमल में विराजित है, जो अतिशय पूजनीय है, हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। आइए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। इस संसार के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने चमत्कारों से अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसी महिमाओं का वर्णन हमने अक्सर सुना है। माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व मनोकामना पूरी करने वाली अर्थात सर्व सुख देने वाली है। उनकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा एक बहुत विशाल नगर की है और इस नगर में तरह तरह के लाखों लोग रहते थे। सभी के अपने अलग अलग धंधे थे, सभी के अपने अलग अलग व्यवसाय और कारोबार भी थे। किसी को किसी की परवाह कब थी, क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं था धार्मिक कार्यों, भजन कीर्तन भक्ति भाव दया धर्म परोपकार ऐसे नेक संस्कारों की कमी थी। चोरी डकैती आदि का बहुत बोलबाला था। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में नगरों से लोग इस नगर में आते थे। कहते हैं कि धर्म और सद्भावना का अंश कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात ऐसे बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे और इन अच्छे लोगों में विमला और उसके पति की गृहस्थी भी चल रही थी। वैसे देखा जाए तो इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और उसके पास जितना धन आता जाता है उसे पाने की लालसा और बढ़ती जाती है। शुरू में वह चाहे सोचता है कि उसकी दो समय की रोटी चल जाए, इसके लिए मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, अर्थात सब कुछ करते हैं, और जब समस्याएं हल हो जाती हैं तब शुरू हो जाते हैं दूसरे विचार, जैसे आय बढ़े, अधिक धन हो, अच्छा मकान, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी वगैरह वगैरह। दूसरे शब्दों में उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक कहा है कि भूख को तो एक सीमा तक रोटी खाने से पूरा किया जा सकता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं। इस लालसा में बंधा इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है, अर्थात यह मानव जीवन इतना सा है जिसके ऊपर हम इतना बड़ा बोझ ला देते हैं तथा उस प्रभु, उस महाशक्ति, उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं जिसने हम सबको जन्म दिया है तथा यह सारा संसार चलाया है। यही सब कुछ तो कलयुग की निशानी बन जाती है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं, धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। ऐसा ही सब कुछ विमला की गृहस्थी से हुआ। पहले तो उसका एक छोटा सा घर अर्थात एक ही कमरा था, उसी में रसोई, उसी में सोना खाना पीना इत्यादि होता था। विमला का पति भी घनश्याम यहाँ किसी आरती के पास नौकरी था। दोनों बहुत ईमानदार थे। विमला तो बहुत ही धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था, अर्थात उनकी गृहस्थी अपने इलाके में एक मिसाल थी। वह दोनों कभी किसी से उलझते नहीं थे, कभी किसी को किसी प्रकार के अपशब्द भी नहीं कहते थे। दयालुता और सदाचार उनके रोम रोम में बसी थी। विमला नित्य मंदिर भी जाती थी। इस तरह उनकी गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, परंतु हम जानते हैं कि कर्म की गति न्यारी है। ईश्वर की लीला कौन जान पाया है। समय और मनुष्य का भाग्य उसे पल भर में राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है।
ऐसी सत्य कथाएं हमने अनेकों बार सुनी हैं। ऐसा ही कुछ विमला के पति घनश्याम से हुआ। वह शीघ्र से शीघ्र अमीर होना चाहता था और इसी लक्ष्य को लेकर वह गलत रास्ते पर चलने लगा। उसकी दोस्ती कुछ बुरी संगत के लोगों से हो गई। वह जुआ खेलने लगा, देखते ही देखते वह शराब भी पीने लगा। इन सब चीजों के लिए धन चाहिए था, परंतु वह धन कहाँ से आता। करते करते उसने विमला के जेवर और घर का लगभग सारा सामान बेच दिया और करोड़पति के ख्वाब देखने वाला घनश्याम कंगाल हो गया और उसके करोड़पति बनने के सपने तो अस्त व्यस्त हुए और साथ साथ उसकी घर गृहस्थी भी बिखर गई। अति दरिद्रता से ग्रस्त होकर वह विमला से मारपीट भी करने लगा। अब एक विमला के परिवार पर संकट और परेशानियों के बादल पूरी तरह छा चुके थे। विमला को यह देखकर अत्यंत दुख होता, लेकिन वह क्या करती, हर समय उदास रहने लगी। वह अपना दुख किसको जाकर बताती, लेकिन पिछले समय में जब वह कभी भी परेशान होती थी तो देवी लक्ष्मी माँ जी की आराधना करती। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था और जहाँ माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। विमला बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से दुख हुआ, किंतु वह सब कुछ सहन किए जा रही थी। कहते हैं हर रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात आता है, इसी प्रकार हर सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है। इसी बात को आधार मानकर और इस पर विश्वास रखकर विमला श्रद्धा में प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। उसका अपने प्रभु में विश्वास नहीं टूटा। एक दिन विमला थक टूट कर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसको हृदय का दुख भी जान लिया था। विमला रोए जा रही थी, साथ में वह अपनी माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। वह कह रही थी, माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरी और मेरे घर की क्या हालत हो रही है, क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती, मेरा पति बिगड़ चुका है, घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है, उसके बिना जीवन की गति नहीं चलती, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे अभागिन को बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, शक्ति दो माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करो, इस घर को बचा लो, अब आप ही मेरा अंतिम सहारा है, आपने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी, आप तो यही मेरा अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे गिर गई। तभी किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। विमला के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर का द्वार खोलने चली गई और सोच रही थी, मुझ गरीब के घर इस समय कौन आया होगा, घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली विमला ने खड़े होकर घर का द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। उम्र में वह कुछ बड़ी थी, उनके चेहरे पर अलौकिक तेज अजीब सा था, उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनको देखते ही विमला के मन में उदार शांति छा गई, क्योंकि उनके चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। उनको देखकर विमला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। विमला ने माँ जी को आदर सहित भीतर आने को कहा और उन्हें बैठने के लिए बिछोना भी दिया। आसन ग्रहण करने के पश्चात माँ जी ने विमला से पूछा, क्यों मुझे पहचाना नहीं। विमला ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, माँ आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार शांति भी मिल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है शायद मैं जिसे ढूंढ रही थी वह मुझे मिल गई है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, प्यार से कहा, क्यों मुझे भूल रही हो, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहीं होती हूँ, वहाँ हम हर बार मिलते हैं। जब से पति ने गलत रास्ता अपनाया था विमला ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था, वह किसी से मिलती भी नहीं थी, यहाँ तक कि किसी की नज़र मिलाते उसे संकोच करती थी। तभी माँ जी ने प्यार से कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितना मधुर संकीर्तन करती थी, भजनों से सभी का मन मोह लेती थी, अब तुम वहाँ दिखाई नहीं देती, तुम किस हाल में हो, इसे देखने के लिए मैं खुद चली आई।
उन्हीं माँ जी के मुख से इतने प्रेम भरे शब्द सुनकर विमला का हृदय गदगद हो उठा, क्योंकि जिस हाल में विमला रह रही थी उस हाल में माँ जी के इतने करुणा भरे शब्द उसके मन में जैसे रोते बिलखते हुए बच्चे के लिए माँ की गोद के समान थे। विमला की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ जी के सम्मुख बैठकर वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह सब देखकर माँ जी ने विमला के पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देते हुए कहा, बेटी यह संसार तो सुख और दुख का संगम है। सुख और दुख तो धूप और छाँव के समान है। जैसे रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात आती है, वैसे ही हर सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य सिर काम लो बेटी, तू मुझे बता तुझे क्या दुख है। इतनी बात सुनकर विमला ने अपनी आवगति की पूरी कथा माँ जी को बता दी। बेटी कर्मों की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए तुम अधिक दुखी मत हो। अब तुम अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम तो माँ लक्ष्मी की भक्तनी हो, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। यदि तुम अपने मन की शांति अथवा गृह गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। वैभव लक्ष्मी का व्रत सुनकर विमला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने बताया, बेटी यह व्रत बहुत सरल है, अगर इसे तुम पूर्ण शास्त्रीय तरीके और पूर्ण विधि विधान से किया जाए करोगी तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा घर में सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ये ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी यह व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं ते उसका पूर्ण फल नहीं पाते। कुछ लोगों का मानना है सोने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। किसी भी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए उसे पूर्ण विधि विधान और शास्त्रीय ढंग से ही करना चाहिए। व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करना चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। इस व्रत को शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। सारा दिन मन में जयमा लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। किसी की बुराई निंदा चुगली आदि का परहेज रखना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर साफ सुथरा वस्त्र लाल रंग का बिछाकर उसे चावल का छोटा सा ढेर करें। उस ढेर के ऊपर पानी से भरा तांबे अथवा चांदी का कलश रखकर उस पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का कोई गहना रखो, अगर सोने का ना हो तो चांदी का गहना रखो, चांदी का ना हो तो रोकड़ का रुपया ही रखना चाहिए। तब घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती भी सुलगा कर रखो। सिक्के की हल्दी कुमकुम व गुलाब के फूलों के साथ पूजन करें। एक पात्र में मिष्ठान या गुड़ रखें। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि करते समय सर्वप्रथम सच्चे दिल से श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों के दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्वतन की स्तुति करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात घी आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद जिसमें केले के टुकड़े भी हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद को श्रद्धापूर्वक लोगों में बांट दें तथा प्रसाद बांटते समय भी जय माँ लक्ष्मी बोलते रहना चाहिए। इस व्रत को इस विधि अनुसार निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार तक करना चाहिए। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाद में माँ लक्ष्मी के आगे पड़े चावल पक्षियों में डाल दे और कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल देना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। जिसे संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। भाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को उसका मन भावन पति मिलता है। व्रत पूरा होने पर अर्थात
जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने पूरा होने पर व्रत का उद्यापन शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए। माँ जी ने कहा, यह विधि में मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर अथवा नैवेद्य रखो। हर शुक्रवार की तरह पूजा विधि करनी चाहिए। पूजन करने के बाद नारियल फोड़ो। सात छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर प्रसाद दें। उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं और उसके बाद उनको वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा बताएं और वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक भी अवश्य बांटें। इस दिन और मित्र संबंधियों को भी अपनी श्रद्धा और समर्था अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक अवश्य बांटनी चाहिए। इसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके समय मन में ही मन भावुकता से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते समय कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, जो आपकी मनोकामना है वो माँ को बोलें, मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी करो और आपका यह कल्याणकारी व्रत जो भी करे उसकी सब मनोकामना पूर्ण करो। माँ जी के पास से सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर विमला भाव विभोर उठी। उसको महसूस हुआ जैसे सुख का मार्ग मिल गया हो और अब तक वह ऐसे ही भटक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान किया और माँ जी द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमानुसार इस कल्याणकारी व्रत को 21 शुक्रवार करने का और पूरा होने पर उसका उद्यापन करने का संकल्प किया। विमला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने किसी को ना पाया, अर्थात माँ जी ओझल हो गई थी। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। तब वह समझ गई है माँ जी और कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी माँ ही थी। विमला लक्ष्मी माँ की परम भक्तनी थी, इसलिए लक्ष्मी माँ अपनी सच्ची भक्तनी को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप धारण करके विमला के घर आई थी। भाग्यवश अगले दिन ही शुक्रवार था। प्राय विमला नहा धोकर कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी का जाप करने लगी। सारा दिन उसने मन में कोई बुरा भाव नहीं लाया, किसी की बुराई निंदा चुगली नहीं की, अपना मन प्रसन्न रखा और प्रत्येक व्यक्ति से हंसते चेहरे से मिली। शाम होने पर विमला हाथ मुंह धोकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई। अच्छे समय में घर में सोने के काफ़ी आभूषण जेवरात थे, लेकिन बुरे समय में पति की गलतियों के कारण सब कुछ बिक चुका था। अब भी उसके हाथ की एक अंगूठी ही बची थी। विमला ने उस अंगूठी को निकाला, उसे अच्छी तरह धोया और एक कटोरी में उसे रखा। सामने पाटे पर साफ सुथरा वस्त्र बिछाया और उस पर कुछ चावल रखे, उस पर अंगूठी वाली कटोरी रखी और उसके बाद लक्ष्मी माँ की बताई पूर्ण शास्त्रीय विधि अनुसार वदन स्वतन और पूजन किया। यह सब करने के बाद उसने थोड़ी शक्कर ली और उसे प्रसाद में रखकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसके बाद उसने माँ लक्ष्मी जी की आरती की और माँ लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाया। उसने स्वयं भी प्रसाद लिया, चावल उसने पक्षियों को डाल दिए, पानी तुलसी जी की क्यारी में और मुंदरी हाथ में पहन ली। जब शाम को उसका पति घर आया तब उसने उसे भी लक्ष्मी माँ का प्रसाद दिया। जैसे ही विमला के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसके व्यवहार में तब्दीली आ गई। उस दिन उसने विमला का मन नहीं दुखाया और उसे किसी प्रकार की मारपीट भी नहीं की। उसके विचारों और बुद्धि में भी परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने बुरे कर्मों का भी पश्चाताप होने लगा। धीरे धीरे वह अपनी बुराइयों से घृणा करने लगा। विमला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। विमला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मन्नत किए हुए कि शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को उसने माँ जी द्वारा बताए उद्यापन विधि अनुसार सात कन्याओं को घर बुलाया, उनके चरण धोए, उन्हें प्रसाद दिया और सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक उपहार में भी दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को मन में बसाकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज आपकी अपार कृपा से मैंने यह व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सब पर अपनी कृपा
आपका पूर्ण कल्याण करो। जो भी प्राणी आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी मनोकामना पूरी करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सुभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो। कुआरी लड़की को मन भावन पति दो। सबको सुखी करना हे माँ आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा कहते हुए उसने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। इस प्रकार विमला ने शास्त्रीय विधि से श्री वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन सहित किया और अपनी मनोकामना पाई। उसका पति अब तक पूरी तरह सुधर चुका था। उसने शराब जुआ इत्यादि सभी आदतें छोड़ दी थी। वह विमला को पूर्ण स्नेह देने लगा था। वह फिर से मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उनके अच्छे दिन फिर आ गए। घर का जो सामान बुरे दिनों में उनकी बुराइयों के कारण बिक गया था वह भी आ गया और जो गहने जेवरात उसने गिरवी रखे थे वह भी उन्होंने छुड़ा लिए। व्यवसाय में भी उन्हें मुनाफा अधिक होने लगा। घर में पूर्ण सुख शांति और धन की बाढ़ सी लग गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर उनके मित्र संबंधी और मोहल्ले के दूसरे लोगों ने भी अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि से व्रत किया। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे विमला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप अपने सभी भक्तों और व्रत करने वालों और यह कथा सुनने वालों पर प्रसन्न होना और उनको मन वांछित फल देना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।